गाइस गुड मॉर्निंग। तो दूसरे दिन आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो चलो अभी आज क्या क्या करते हैं वो मैं सब आपको दिखाता हूँ। आज मैं सूरत भी निकलने वाला हूँ, तो अभी तो मैं हूँ यहाँ पे होटल में, तो आप देख सकते हो। तो एंजॉय कीजिए वीडियो और पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं मेरी फाइनल लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और अभी मुझे एंट्री पास भी मिल गया। ये देखो ये एंट्री पास है, मतलब वीवीआईपी का है। तो ये एंट्री गेट एंट्री पास है, तो ये ऐसी ग्रीन वाली पट्टी आती है। तो ये गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो चलो गाइस, तो ये मान लो कि जो मैंने सरदार धाम का जो रखा है उसमें हमने स्टे लिया था रात का। तो अभी वहाँ से निकल चुके हैं, तो अभी जा रहे डोम में। तो चलो मैं आपको और भी सब दिखाता हूँ कैसी ये वीआईपी का पार्किंग है। वीआईपी का पार्किंग पूरा अलग होता है, मतलब कि मान लो कि गेट के पास ही होता है। तो हमने गाड़ी गेट के पास ही रखी है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो अभी मैंने बेल्ट भी ले लिया, तो वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही निकल जाएंगे वीआईपी एंट्री से। तो अभी वहाँ पे से निकलते हैं और फोटो वोटो कुछ क्लिक करते हैं। और रात का तो भाई यहाँ पे आओ तो सरदार धाम में रुको, मतलब रेफरेंस से लेते, रेफरेंस के अलावा किसी को रूम नहीं देते। नाश्ता भी उतना बढ़िया था सुबह का, और रूम में तो भाई आपको ऐसा लगता है होटल में कहीं पे रुके हो, उतना कंफर्टेबल था, मतलब अच्छा था। सरदार धाम का जो भी व्यू भी अच्छा था और रूम भी अच्छा था, क्लीन भी था। तो वो तो मैंने आपको जो भेजा वीडियो दिखाया उसमें दिखा ही होगा, कल वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको रूम टूर करवाया था, तो उसमें आपने देखा ही होगा। तो चलो अभी वीआईपी एंट्री से निकलते हैं और मैं तो यहाँ पे अंदर हूँ, तो अभी वीआईपी एंट्री में से बाहर निकलते हैं। चलो लेट्स गो।